अक्सर देखा होगा अनैतिक प्रेम संबंधों के चलते अब तक न जाने कितनी जिंदगियां तबाह व मौत के मुंह में जा चुकी हैं। ऐसा ही एक मामला नवी मुंबई के पनवेल से जुड़ा हुआ है, जहां एक 21 साल के युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी लाश को घनी झाड़ियों के बीच ठिकाने लगा दिया गया। परंतु पनवेल पुलिस ने हत्या के अनसुलझी गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा लिया है। इस हत्या में शामिल 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस की खातिरदारी में आरोपी इस कदर टूट गया कि पूरी सच्चाई बयां कर दी। आपको बता दें कि इस हत्या में मृतक ओमकार की पत्नी की भूमिका मुख्य रही, जिसकी वजह उसका अनैतिक संबंध बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी ओमकार को हो चुकी थी। परंतु पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने में जो चाल चली, उससे एक साथ 4 जिंदगियां तबाह हो गई, जिसमें ओमकार के हिस्से में मौत आई तो बाकी के हिस्से में जेल। फिलहाल मृतक ओमकार की पत्नी अभी भी पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश करने में जुटी है। नवी मुंबई से सर्वजीत सोनी की रिपोर्ट। सर, व्यक्ति की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है, जानना चाहिए पुलिस कैसे उस आरोपी तक पहुंची। 28 अप्रैल 2018 को देहरन डैम, जो पनवेल में पानी आता है, वो डैम के बाजू में एक डेड बॉडी हमें मिली। वहाँ की पुलिस पटेल में हमें बताया, हमने वहाँ जाके देखा तो वो डेड बॉडी को 2 जख्म थे, उसमें फायरिंग किया हुआ था। वो पुलिस पटेल की कंप्लेंट लेके अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हमने ऑफेंस दर्ज किया। ऑफेंस दर्ज करने के बाद वो जो लड़का था वो 20-25 साल की उम्र का था, उसके लिए हमने फायरिंग होने की वजह से हमने हमारी 4 टीम बनाई, 4 ऑफिसर और 13 कर्मचारी, इन्होंने मिलके पूरे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, ठाणे ग्रामीण, रायगढ़, यहाँ पर जो भी मिसिंग दाखिल है और किडनैपिंग के ऑफेंस रजिस्टर है उनके बारे में शिनाख्त कर दिया। लेकिन हमें इसमें कहीं पर भी इस वर्णन का व्यक्ति मिसिंग हुआ या किडनैपिंग हुआ ऐसा मिला नहीं। फिर हमारी टीम ने पुणे शहर में हर पुलिस स्टेशन में जाके ढूंढना शुरू कर दिया। तो येरवडा पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ पर 3 मई को जो एक मिसिंग है उसमें जो वर्णन था वो हमारे जो बॉडी मिले उसको मिलता जुलता था। उस पर से हमने फिर उनके रिश्तेदारों को बुलाया, रिश्तेदार ने देख के उनकी जो बॉडी है उनको जब दिखाया तो तुरंत पहचान लिया कि उनका भाई है। तब उनका नाम ओमकार आर्ने, ऐसा नाम हमें पता चला, उसकी उम्र 21 साल की थी। उसका भाई जो अनिकेत है उसने उस बॉडी को पहचाना। फिर हमने वो उनको पूछा, उसके बारे में पूछताछ किया, उनके स्टेटमेंट लिए, टेक्निकल एनालिसिस किया और उनके जो मिसेज थी सुधा आर्ने मैद की, उसने जो कंप्लेंट दिया वो येरवडा पुलिस में दिया था, जबकि उनके भाई का कहना था कि ये उसके मिसेज के साथ में नवी मुंबई में गई थी, यहाँ कुमड़भुजे में एक उनका रिश्तेदार था, उनके पास रहती थी। तो हमने इस पर से वो कुमड़भुजे में रहने वाला महेश कुमार कोड़ी उसको ताबे में ले लिया। पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि उसका जो बॉडीगार्ड है धर्मवीर सिंह और उसने दोनों ने मिलकर उसको देहरन डैम के पास ले जाके उसको गोली मार के उसका खून किया। सर, हत्या की वजह क्या थी? क्योंकि एक महिला अपने पति के साथ पुणे से नवी मुंबई पहुंचती है, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति उसको उसके हस्बैंड को गोली मार देता है, कोई ना कोई तो बात होगी। क्या उसकी जो वाइफ है उसके अफेयर चल रहे थे इस व्यक्ति के साथ, क्या था मामला कुल मिला के? नवीन कुमार जो मेन एक्यूज है उसका मैद की पत्नी सुधा, इसके साथ अफेयर चल रहा था। उनके मोबाइल में कुछ फोटो थे, वो फोटो मैद ने देख लिया था, उसके ऊपर उनसे बातचीत होती थी और झगड़े भी होते थे। अच्छा, मतलब पूरा जड़ में एक अनैतिक संबंध की वजह से ये हत्या हुई, ये कहा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल अनैतिक संबंध से ही ये हत्या हो गई।